भाई ये इंसान फिर दोबारा आया आपका सामने और इस वीडियो के कमेंट में चाहे आप गाली देना चाहो गाली दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन पता है मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मेरी ये यूट्यूब वाली जर्नी स्टार्ट हुई थी। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, 5-6 मिनट की मैं 5-6 मिनट का टाइम लेऊंगा आपसे और बस उसके बाद फिर मैं इसको एंड कर दूंगा। आप जो करना चाहते हो उसके बाद वो कर सकते हो मेरे साथ, कोई वो इशू नहीं है, क्योंकि भाई मैं गलती नहीं हूँ, ठीक है। गलती में आपको लग रहा हूँ, लेकिन भाई इस सिचुएशन में जिन जो सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ 3-4 महीने से, ठीक है, उन सिचुएशन में अगर कोई मतलब और कोई होता ना, तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि भाई वो इतनी जल्दी कमबैक कर पाता या फिर इतनी जल्दी घर छोड़ के और फिर मुखर्जी नगर में शिफ्ट हो पाता और फिर दोबारा से अपना काम स्टार्ट करता। हाँ, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ भाई। 2023 का रिजल्ट आया था CCL का 5 दिसंबर को, ठीक है, 4 या 5 दिसंबर को आया था, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे को मुंबई जोन मिला और मुंबई जोन में मैं जाना नहीं चाहता था इतनी दूर, मतलब मैं बस 1 साल की तैयारी और करता हूँ और उसके बाद फिर मेरे को दिल्ली मिल जाएगा, तो फिर मैं दिल्ली से हरियाणा पास ही है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ भाई, तो वहाँ से मैं मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि घर पे ही माँ बाप मतलब सारी चीज़ें मतलब घर बार में छोड़ना नहीं चाहता था, इस वजह से मैंने सोचा कि भाई मैं प्रिपरेशन करता हूँ। देन उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा, लोगों को देखा कैसे क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं, और फिर मेरे को ये एहसास हुआ कि भाई ये जो बता रहे हैं ना उनमें से आधे से ज़्यादा फ्रॉड है भाई, ठीक है। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें वो गलत बताते हैं यार, अगर आप है ना मेरे को ये बताओगे ना, मैं आपको एक एक वीडियो निकाल के दे दूंगा जिसमें है ना लोग बहुत सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं, ठीक है, या तो उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर नॉलेज है तो उनको कहीं ना कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है, इस वजह से वो गलत बता रहे हैं, ठीक है। CCL बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ये मैं पहले बोलता था, अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने भाई शायद 21 या 22 दिसंबर, पता नहीं 23 दिसंबर से मैंने पहली वीडियो अपलोड की, अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर मैं अपलोड करते गया, ठीक है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना, मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, बस ये समझ लो कि मिस हैपनिंग हो गई थी और बहुत मेरे मतलब दिल के करीब थे जो लोग, उनकी मतलब हो गई थी मतलब, ठीक है। तो बात ये कि अब आपको ये लगे कि एक्सक्यूज बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं भाई, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा, ना मैं आपके सामने कभी एक्सक्यूज बनाऊंगा ना कुछ, और अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा भाई, झूठा आदमी नहीं हूं मैं, ठीक है। जो बात होती है ना मैं टेलीग्राम पे सीधा सीधा बता देता हूँ भाई, आज ये बात है, अगर आज मैंने आज भी डाला था कि भाई जीके की क्लास 2-3 घंटे लेट हो सकती है, ठीक है, तो वो भी मैंने डाल दिया भाई, 2-3 घंटे लेट हो सकती है, क्या पता 4-5 घंटे पर आएगी आज, ठीक है, ये कन्फर्म, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात, मैं आपको ये है ना कन्फर्म करके दे सकता हूँ, ये मतलब मैं वादा प्रोमिस जो आप मेरे से मांगो ना वो करके दे सकता हूँ कि भाई अब है ना, अब जी तोड़ मेहनत होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कि लोग मेरे को फ्रॉड बता रहे हैं, पैसा खाने वाले बता रहे हैं, कुछ ही बता रहे हैं यार, मतलब जो मतलब मेरे पूरी उंगली उठा रहे हैं। हाँ भाई मैं मानता हूँ कि मैं लेट हो गया, ठीक है, 2024 का मेरा आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया भाई। कई कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी चाहकर भी ना उन चीज़ों को कर नहीं पाता, बिकॉज और वर्स सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं मतलब आदमी के पास, ठीक है, और वो उतनी जल्दी उनसे उभर नहीं पाता भाई, ना मैं कोई फ्रॉड हूँ ना मैं कुछ और हूँ, ठीक है भाई, ये उनसे पता लग जाएगा जिनका मैंने ना दिल से साथ दिया है, जिनके घर वालों से मैंने बात की है, उनके खातिर, मेरे खातिर नहीं, और यहाँ पे बात 100-150 रुपए की या फिर नोट्स बेचने की है तो है ही नहीं भाई, ठीक है। अब कई कमेंट आए थे कि ये तो फ्रॉड है, पैसे खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, चल आपकी बात ठीक है। एक बात तो मैं पहले वीडियो बनाता था, मेरे नोट्स बिक रहे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, ठीक है, आप नोट्स खरीद भी रहे थे, मेरे पास पैसे आ रहे थे, ठीक है। अब चलो मैं पैसे के पीछे भाग रहा होता, ठीक है, आपकी बात ऊपर रखता हूँ मैं, अगर मैं पैसे के पीछे भाग रहा होता हूँ तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं है ना मैं वीडियोस वगैरह बनाता भाई, मैं नोट्स बनाता, क्योंकि मेरे को तो पैसे चाहिए था ना उस टाइम पे, लेकिन मेरे को भाई पता है क्या है, तो सोच के देखो भाई, पहली बात मैं पैसों के पीछे नहीं भागूंगा, ना मैं भागा कभी, ठीक है, घर परिवार से मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ भाई, ठीक है, ना मेरे को इतना चाहिए भाई, मैं सिंपल आदमी हूँ भाई, ये 300 रुपये की शर्ट पहन के गुजारा करता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ना मैं कोई शो ऑफ करता कभी भी ना कुछ और,
ठीक है। दूसरी बात, ना मेरे को पैसे चाहिए, मतलब जैसे कि भाई जो मेरी मेहनत है वो तो मैं ले लूंगा ही, ठीक है, फ्री के अंदर कोई भी चीज़ मैं दे दूंगा, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, बात पहले ही बता रहा था। और है ना, ये 100 150 500 रुपये मैं आपको पूरी पूरा एसएससी सीजल दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत कम है भाई, बहुत कम है, बहुत कम है भाई। 500 रुपये में आज के दिन है ना, तो आप ये कहोगे ना तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और मैं आपको मैथ्स के नोट्स दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इंग्लिश के नोट्स, जीके के नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। जीके की यार एक क्लास लेने में ना 8 9 घंटे लगते हैं, 8 9 घंटे, ठीक है। और अगर कोई क्लास फंस गई तो ये समझ लो कि उसके अंदर ना 10 घंटे आप मान के चलो नॉर्मल। और मैं फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं चाहता कि भाई कुछ भी मैंने लिख दिया, कुछ भी बोल दिया सर ने, कुछ कुछ मतलब 5 मिनट का बोलो, 5 मिनट का ना लिखे, 3 मिनट का लिख के ठीक है भाई, मेरे को तो नोट्स कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी करके दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूँगा भाई, पहली बात। जो मेरे को फ्रॉड बताया कुछ भी, आज तक ना इस इंसान के कॉलर पे 1% दाग नहीं, किसी को आज तक धोखा नहीं दिया मैंने, ये बात आपको पता है। जिन जिन का मैंने ना दिल से साथ दिया है ना, साथ मैंने सबका दिया है, जिन्होंने मेरे से हेल्प मांगी उनकी, उनको पता भी होगा। अगर किसी लड़की ने मेरे को ये कहा कि भैया मतलब मेरी वो घर वाले नहीं मान रहे, इसी साथ शादी कर रहे हैं या फिर कुछ भी, ठीक है आप मेरे घर वालों से बात करो, मैंने उनके घर वालों से 1.5 घंटे बात की है भाई, और आप ये कह रहे हो कि 500 रुपये के लिए मरता है या फिर 150 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए मरता है, ठीक है। हाँ गलती हुई है भाई, वो जानबूझ कर तो की नहीं मैंने, ये बात तो आप भी मानते हो, जो मेरे को मानता है उसको पता है ये सारी चीज़, ठीक है। गलतियाँ हुई हैं मेरे से, और आप उस चीज़ को गलती मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन बहुत वर्स्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, और इस बात का मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस कुछ भी करवा लो मेरे से भाई, आज के बाद ना ये कभी भी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी, कोई डिले नहीं होगा। अगर मैंने ये बोल दिया कि दिन को आपको, दिन में आपको जीके क्लास मिलेगी, 50 वोकैब के वर्ड्स मिलेंगे ब्लैक बुक से जो मैं कर रहा हूँ ट्रिक्स बना के, और इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे, तो एक इंग्लिश की एक क्लास डेली मिलेगी, तो वो मिलेगी ये मान लो आप। अगर कोई बात होती है तो मैं सीधा टेलीग्राम पे बताऊंगा कि भाई इंग्लिश के अंदर ना टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब उसकी प्रैक्टिस चली गई, प्रैक्टिस क्लास बहुत लंबी होती है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अब भाई मेहनत चलेगी, जी जी तोड़, ठीक है भाई, फ्रॉड बोलना है, अब मेरे को है ना जो गाड़ी देना चाहता है ना वो दे सकता है भाई, मैं खाने के लिए तैयार हूँ यार, ठीक है। लेकिन कोई साथ देना चाहता है ना भाई, मैं उसको है ना दिल से मतलब ये बोल थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि पता है क्या है यार, मैं तुम मेरे सब यार भाई हो, मैं तुमसे झूठ बोल के पहली बात तो जाऊँगा कहाँ, दूसरी बात ना मेरे को कोई इतनी नीड है कि भाई मेरे को तो भाई पता नहीं मेरे ऊपर क्या आ रहा है, मेरे को तो पैसे चाहिए पैसे चाहिए, ऐसा भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये टी शर्ट पहन रखी 300 रुपये की टी शर्ट है, ठीक है, मैं कोई शोकबाजी कोई शोशाबाजी नहीं करता हूँ, ठीक है, जो बात होती है आपने पहले भी देखा था, मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ कोई भी बात हुई, और आगे बोल लूँगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हैं, और दूसरी बात अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास आएगा क्या क्या। भाई 80 क्लास जीके की बची हुई हैं, ठीक है, पॉलिटी जिसमें पॉलिटी भी करूँगा परमार सकते हैं, उसके बाद भाई आपकी 93 क्लासेस इंग्लिश की बची हुई हैं, और आपकी सिर्फ वो क्या बची हुई है एंटोनिम सिनोनिम, और 638 वर्ड आपके बचे हुए हैं ट्रिक्स बना के, वो मैं आपको दूंगा। 80 दिन का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, डेली के एक क्लासेस इंग्लिश की और मैथ्स ना इंग्लिश की और जीके की दूंगा, ठीक है। ये आप अगर कोई परचेज करना चाहता है बिल्कुल परचेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात का विश्वास करके परचेज करें अब कि भाई आज के बाद ना ये इंसान डिले नहीं करेगा बिल्कुल भी। हाँ मैं मतलब शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, ठीक है, और मैं ना आपके बारे में ही सोचता था कि यार मतलब भाई मैं इनको नहीं दे पाया, ठीक है, लोगों ने मेरे पर विश्वास किया, और मैं मतलब मैं चाहकर भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहा भाई, मैं मतलब छोड़ यार सारी चीज़ें, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। क्लासेस डिले हो सकती हैं दिन में, लेकिन उसी दिन ही आएगी, टाइम का थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मतलब मैं ये भी नहीं जानता कि भाई मतलब मान लो मैंने कोई क्लास प्ले करी, वही क्लास फंस जाती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं भाई। और दूसरी बात भाई, मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूँगा, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे सारी चीज़ें, और अगर भाई यहाँ तक आए हो ना तो भाई आपको दिल से सैल्यूट है इस वीडियो को देख रहे हो तो, और भाई मैं मतलब मेहनत करूँगा और जम के मेहनत करूँगा, और अब कोई डिले नहीं होगा, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू भाई, इतना ही कहना था, इस बंदे के ऊपर विश्वास रखना, बस लास्ट वर्क है।